हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वैसे तो इतने बड़े कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को न जोड़ते तो कोई नुकसान नहीं था। मैंने शिवराज जी को कहा था, भाई इतना बड़ा आपका कार्यक्रम है, अब आगे में क्यों आप मुझे ले जाते हैं? तो उन्होंने कहा, अब मैं कार्यकर्ताओं को मना नहीं कर सकता, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम चुनाव जीते हो या चुनाव हारे हो, जब से हमने राजनीतिक जीवन में कदम रखा है, पहले जनसंघ के रूप में हम लोगों ने किया, बाद में जनता पार्टी के रूप में काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद एक ही है, हमारी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान हो, हमारे राष्ट्र का विकास हो, गरीब हो, पीड़ित हो, शोषित हो, दलित जो वंचित है उनका कल्याण हो। पंडित उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय दर्शन दिया है, आखिरी छोर के व्यक्ति का कल्याण, यही हमारा मकसद है और उसी मकसद को पूरा करने के लिए देश की जनता ने हम पर आशीर्वाद बरसाया। अब हम सबका मिलकर के दायित्व है कि बहुत तेज गति से विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करते हुए गरीब से गरीब का कल्याण कैसे करें, उसके जीवन में बदलाव कैसे लाएं, रोजगार कैसे मिले, और उस काम में मध्य प्रदेश ने पूरे देश को दिशा दी। फिर एक बार स्वागत सम्मान के लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय।